दोस्तों, जजों के प्रमोशन का मामला उफान पर है। 68 जजों के प्रमोशन को रद्द करने के फैसले के बाद 40 जजों के प्रमोशन को वापस ले लिया गया और उन्हें उनके पुरानी पोस्ट पर वापस भेज दिया गया, क्योंकि इस प्रमोशन को अवैध करार दिया गया था। बाकी के जो 28 जज बचे उनको मेरिट लिस्ट में रखा गया है, लेकिन इन 40 जजों के प्रमोशन को रद्द करना उन्हें सही नहीं लगा और वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, CJI डीवाई चंद्रचूड से ये कहा गया है कि प्रमोशन को डिमोशन में बदलना ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है, ये सही नहीं है, अपमान वाली बात है CJI साहब। अब इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड ने क्या कहा है, आखिर ये जो प्रमोशन को डिमोशन में बदला गया है उस फैसले पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। CJI डीवाई चंद्रचूड़ के सामने 40 जजों के प्रमोशन को रद्द करने का मामला पहुंचा हुआ है दोस्तों, अभी नहीं, काफ़ी समय से। हालांकि वो अलग बात है कि इससे पहले किसी और बेंच ने उस पर सुनवाई की थी। ये प्रमोशन जिला जज कैडर के जजों का हुआ था, जिस पर अब विवाद जो है खड़ा हो गया और थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही 15 मई को 40 जजों के प्रमोशन को रद्द कर दिया था और अब यही 40 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको हम जनसत्ता की खबर दिखा रहे हैं। ये खबर क्या कहती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि पूरा मामला क्या है, आखिर प्रमोशन को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। इस खबर के मुताबिक सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, जो कि 40 जजों के तरफ से थी, उन्होंने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मामले को मेंशन करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कल एक आदेश पारित किया और इन 40 जजों का प्रमोशन जो है वापस ले लिया गया। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा वो सुनिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी समन्वय पीठ ने स्टे आदेश पारित किया है। बेंच के दूसरे जज जस्टिस JP पादीवाला ने कहा कि 28 जज जो हैं वो अभी भी मेरिट लिस्ट में हैं, यानी 68 जजों की बात हो रही थी दोस्तों, उसमें से 28 जजों को मेरिट लिस्ट में रखा गया है, 40 जजों को के प्रमोशन को वापस कर दिया गया है। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये ऐसे मसले हैं जो वापस लिए जा सकते हैं और इन्हें रिटायरमेंट पर देय राशि जो है वो मिल सकती है। हालांकि इनका ऐसे बोलने पर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने क्या कहा वो सुनिए, उन्होंने कहा ये बहुत अपमान वाली बात है, ये बहुत बेइज्जती वाली बात है, कम से कम भारत के तमाम राज्यों में यही तरीका अपनाया जाता है, UP में भी यही तरीका अपनाया जाता है। दलील सुनने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं मामले को दूसरी बेंच को रीअसाइन करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मामले पर जुलाई में आगे सुनवाई होगी, यानी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अभी फिलहाल ये मामला थमा नहीं है, ये खिंचने वाला है। अब ये जो मामला है दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, आखिर हाईकोर्ट ने इसे लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी किया था जिसकी वजह से ये 40 के 40 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने 15 मई को दो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए थे दोस्तों। एक डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में जजों के प्रमोशन से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन था और दूसरा जो नोटिफिकेशन था वो पहले जो प्रमोट जज थे, जिनको पहले प्रमोट किया गया था, उनके पुराने पद पर वापस भेजने से जुड़ा हुआ था, यानी उनका भी डिमोशन करने से जुड़ा हुआ वो नोटिफिकेशन था। जो नया नोटिफिकेशन आया, नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मेरिट में आने वाले 28 जजों को प्रमोट किया गया है, जबकि 68 जजों के प्रमोशन वाली पुरानी लिस्ट में 40 जज जो थे उनको प्रमोशन से बाहर कर दिया गया है, यानी उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। हालांकि इन सबके बीच खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज साहब का प्रमोशन बरकरार है। उनका मामला भी उठा था दोस्तों बीच में कि राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज का प्रमोशन हो गया है, अब उनके प्रमोशन को मेरिट के तहत बरकरार रखा गया है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जनसत्ता ने लिखा है कि वो मेरिट के दायरे में आते हैं और जज हसमुख भाई वर्मा ने प्रमोशन के लिए परीक्षा में 200 में से 127 अंक जो है हासिल किए थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि इससे पहले राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा जो थे दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने। चर्चा का विषय बनने का कारण ये था कि पहले जब उन्होंने राहुल गांधी को सजा सुनाई तो थोड़े समय बाद ही नोटिफिकेशन आता है कि उनका प्रमोशन होने वाला है, और उस प्रमोशन के नोटिफिकेशन के बाद एक नया मामला जो है
यूपी के माफ कीजिएगा गुजरात के सरकार के ही दो अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि ये जो प्रमोशन है ये गलत तरीके से हुआ है, इस तरीके से प्रमोशन होना सही नहीं है, क्योंकि ये जितने भी जज जिनको प्रमोट किया गया है उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे, बहुत सारे ऐसे कतार में जज खड़े थे जिन्होंने परीक्षा दी और उनके इनसे ज़्यादा अंक आए थे, उनके इनसे ज़्यादा नंबर आए थे, बावजूद इसके इनका प्रमोशन हो गया और उनका प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज किया गया था, ये भी आरोप लगाया गया। मेरिट कम सीनियोरिटी, सीनियोरिटी कम मेरिट, इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया था दोस्तों। और इसी वजह से ये जो प्रमोशन है, इस प्रमोशन को लेकर ये जो दो अफसर है दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे अफसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्टे जो है लगा दिया गया था और नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 40 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी। बाकी के 28 जज जो है मेरिट लिस्ट में आते हैं, जिसमें राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज का नाम भी अभी शामिल बताया जा रहा है, यानी उनका प्रमोशन जो है उसको बरकरार रखा गया है। फिलहाल देखिए ये जो पूरा मामला है ये बढ़ता चला जा रहा है, प्रमोशन को लेकर दोस्तों कई सवाल जो है वो खड़े होते आए हैं, कई खबरें जो है आ चुकी हैं इससे पहले भी, लेकिन फिलहाल ये जो प्रमोशन है ये एक जज का प्रमोशन नहीं है, 68 जजों के प्रमोशन की बात है, जिनमें से 40 जज अभी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इन पर सुनवाई करेगा। फिलहाल ये खबर जैसा हमने कहा चर्चा का विषय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।